प्यारे प्यारे सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दास सबके चरणों में गिर करके माफी चाह रहा है, कोई कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, हमारे यहाँ माँ बाप एक ही बात समझाते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होना है, बड़े होकर के नौकरी करना है। चाहे कोई भी प्रांत ले लीजिए, बिहार हो, यूपी हो या फिर पंजाब हो, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर एक ही बात समझाया जाता है। सत्संगत जी, बचपन से माँ बाप अपने बच्चे को दिमाग में यही सेट करते हैं, बेटा तुम्हें नौकरी करना है, नौकरी, और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। आपने अपने बच्चे के दिमाग में, माइंड सेट में ये बैठा दिया कि बस तुम्हें नौकरी करना है, सरकारी या। आखिर सत्संगत जी, आप नौकर ही बनाने क्यों चाहते हैं? बस नौकरी के भूखे हैं, क्यों नहीं मालिक बनने को कहते हैं? बल्कि इसके बजाय आप वो बात समझाते कि बेटा तुम्हें इतनी शिक्षा अर्जित करनी है कि नौकरी किसी को दे जाए। जब आप अपने बच्चे को, जब मान लीजिए कि आपके घर में फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, उस पर 5 क्लिप है, 5 क्लिप में उसको मोड़ेंगे तो पहले पे थोड़ा कम चलेगा, दूसरे पे चलनी ज़्यादा, तीसरे पे थोड़ा और ज़्यादा, और चौथे पे ज़्यादा, और पाँचवें पर पूरा स्पीड चलेगा। तो सत्संगत जी, आप अपने बच्चे को 2 नंबर पे सेट कर दिए हैं, तो क्यों नहीं वो ऐसे ही चलेंगे? क्यों आप नौकरी के ही चक्कर में रहते हैं? क्यों नहीं बाल मालिक बनने को कहते हैं, ऐसे मालिक जो कि नौकरी पैदा करे? क्यों नौकर बनना है तुम्हें? मैं आपको बता दूँ, जो सरकारी नौकरियाँ हैं नहीं मिल रही हैं, लोग, लड़के जो हैं आत्महत्या पर तुल गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बस माँ बाप की जो कहे हैं वो करना है, 99% मार्क लाना है, चाहे जैसे भी लाएं। लेकिन बच्चे को क्या मुंह दिखाऊं जब परसेंटेज कम आता है, 75 आता है, 70 आता है, कहते हैं क्या मुंह दिखाऊं, चलो आत्महत्या कर लेता हूँ। अब यहीं पर देख लीजिए, माँ बाप की गलती से ही बच्चे भी बिगड़ते हैं। सत्संगत जी, जब घर में बड़े पापा या फिर अपने पापा बीड़ी या फिर कुछ पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बच्चे उनके नकल करने लगते हैं, बच्चे भी पीने की इच्छा करते हैं, जैसे आप करोगे वैसे आपके बच्चे नकल करेंगे। जब मेरे पिताजी पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं पिए? अब सत्संगत जी, घरों में देखे होंगे जो सासुए होती हैं, उनकी जो घर में पतोह बनकर आई होती हैं, वो कहती हैं कि गलत वाक्य का प्रयोग करती हैं, अच्छे से धर्म नहीं निभाती हैं, अच्छे से सेवा नहीं करती हैं। बच्चे भी देख रहे हैं, आप भी एक दिन बूढ़े होंगी, आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे आप कर रही हैं अपने सासू माँ के साथ। आजकल गाँव में अभी लगभग चल रहा है, बेटे ने बाप का पैर दबा रहा है, लेकिन शहर में ये सब ख़त्म हो गया है। लेकिन जब छोटे बच्चे रहते हैं, जब देखेंगे कि मेरे पिताजी अपने पिताजी का पैर दबा रहे हैं, तो वो भी सोचेंगे मैं भी पैर दबाऊंगा। वो कितने तो प्रयास करने भी लगते हैं उसी समय। आपने ध्यान से देखा होगा तो जानते ही होंगे, आप कहते भी हैं देख करके, मेरा बेटा देखापन कर रहा है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा है। लेकिन आप इतना नहीं सोच पाते हैं और अपनों से बड़े का, माँ बाप का ख्याल, ध्यान अच्छे से नहीं रखते हैं। जिस प्रकार आप करते हैं वैसे ही आपके जो बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सब करेंगे आपके साथ भी। मैं तो कहता हूँ आप अपने बच्चे को सिखाइए मत, आप जैसे करेंगे वो आपसे खुद सीख जाएंगे, सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्संगत जी, अब यहीं पर सत्संगत जी देख लीजिए, जब कोई घर पे आपके आते हैं तो आप खुद अपने बेटे से कहवाते हैं, जाओ बेटा कह दो पापा घर पे नहीं हैं। अरे मूर्ख, वो भी सीख रहा है। आप अपने बच्चे को खुद गलत सिखा रहे हो, झूठ बोलना सिखा रहे हो, तो क्या करेंगे, वो खुद सीख रहे हैं, वहीं सीख के बड़े होंगे वैसे करेंगे, तो ये सब नहीं करना है सत्संगत जी। अच्छा खैर, हमारे देश के नेता करते क्या हैं? मताए बहने को साड़ी बंटवा देते हैं, और ये बात तो सुनिए, 100 रुपये की साड़ी के लिए, दुपट्टा के लिए, दिन भर, दोपहर के 4 घंटे
अपना जो समय है बर्बाद कर रही हैं, केवल और केवल वो 100 रुपये की साड़ी के लिए, उसी में मस्त है वो। अरे वाह, आज तो मैंने 100 रुपये की साड़ी ली है, वो भी फ्री में। अच्छा खैर, मताए बहने को फ्री की चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन भक्ति भाव और इनसे इनमें थोड़ा कम मन लगता है। आप अपने पति का जो इतने दिन से कपड़े पहन रही हैं उसमें नहीं खुश हैं, तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकती। हमें साथ संगत जी स्वाभिमान बनना चाहिए। स्वाभिमान वह कहलाता है जो कि अपना घर का नून रोटी ही खाए, दूसरों की पड़ोसन की सोना से काम नहीं चलेगा, सोना खाने से। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।